करते हैं, जो इन्होंने हमारा उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि हम केवल जनता के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अगर आपने मेरे साथ जो करना है, मैं चैलेंज करती हूँ, आप नहीं जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। ना मैं डरती खट्टर सरकार से, ना मैं यहाँ के विधायक से, ना मैं यहाँ के मेयर पार्षद किसी से नहीं डरती। बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, देख लो कदम मुकदमा दर्ज हो गया, फिर पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। आप मुकदमा दर्ज कर लोगे किस लिए? क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, कर लो, कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे। प्रदर्शन लोकतंत्र का गहना है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का एक आम व्यक्ति को भी अधिकार है। हम तो फिर भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर आपको मुकदमा करना है तो अगर आप लॉजिकली मुकदमा करोगे तो हम लॉजिकली उसे सस्पेंड भी करवा। बिजली बिलों को लेकर और बिजली गुल को लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट कर रही है। पानीपत में बड़ा प्रोटेस्ट जो है हो रहा है। मेरे साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हो आप? आज आप देख ही रहे हो सर, हर रोज शहर में भी और गांव में भी इतनी भारी परेशानी है बिजली की, बहुत ज्यादा, हर घंटे के बाद कट लग जाता है। जब ये स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिए, अगर भाई बिल ना भरेगा तो आपका लाइट बंद हो जाएगी। और जब स्मार्ट मीटर लगा दिए, जगमग की योजना पैदा कर रही है और बिजली आ नहीं रही। गांवों में तो दो दो घंटे बिजली का कट रहता है, रात को भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। और हर चीज के रेट इतने जबरदस्त पड़ रहे हैं। जो पानी का डब्बा जो पेटी आती थी वो 40 रुपए की आती थी, आज मैं पानी पीने के लिए आया तो 55 रुपए की पेटी आई। मैं कह रहा भाई ये रेट इतना महंगा क्यों, पानी में क्या बढ़ गया? बोला मलिक साहब बिजली नहीं आती, जनरेटर पे पानी साफ करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, इस करके रेट बढ़े हुए हैं। ये बीजेपी सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रही और 200 यूनिट फ्री दे रही है। यहाँ पैसे में भी बिजली नहीं है। हम इस सरकार को जगाने के लिए आज आप लोगों के बहाने माध्यम से सरकार को सोती हुई को जगाने के लिए प्रोग्राम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसे जाग जाएगी सरकार? ऐसा है जी, कोशिश तो करना फर्ज है, कोशिश में हम तो लगे हुए हैं। आप देखो ये तो कति किसी तरह की परवाह नहीं कर रही, किसी भी चीज के लिए परवाह नहीं कर रही सरकार। इस सरकार को तो बचाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, त्याग पत्र लेना पड़ेगा इनसे, जब जाके ये सुधरेंगे। नहीं, खट्टर सरकार को अगर 24 में साफ ना करा तो तब देखना, लोग बहुत परेशान है। इन्होंने तो कान में रुई डाल रखी है, रुई डाल के सो रहे हैं भाई। हम अपनी जान में खूब आंगा ला कर रुके मारेंगे, इनकी तो रुई मैंने भी आवाज सुनाएंगे इनको। आप बताओ तो, ये सब स्वागत है आपका पार्टी में। कांग्रेस का टाइम भी ऐसे बत्ती गुल रहते थे और आज भी बत्ती गुल रह रही है। ऐसा है कहीं ना कहीं अगर सरकार का फेलियर होगा, अगर कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति अपने काम को प्रति जागरूक नहीं होगा, इस सरकार को ये पता है, भली भांति सब सरकार को पता होता है कि मौसम चेंज होने के पहले ही सारे मटेरियल और सारी चीज़ों को पूरा करना होता है। लेकिन ये सरकार जब ये लोग तराई तराई होते हैं, लोग सड़कों पे रहते हैं, लोग जनता बेहाल है, तो आपके सामने है, पहले कहते थे बिजली गई, अब लोग कहते हैं कि बिजली आई, आने की इंतजार करते हैं, जाई तो रहती है, तो ये फर्क है। भी जनता कितनी दुखी है। जब आप कांग्रेस में थे तब भी तो यही हालात थे, तब वजह से क्या रहा ना कि बीजेपी का राज आ गया, पहले नंगे होके फिरा करते थे लाइट पानी महंगाई के लिए। कांग्रेस राज में भी कांग्रेस वालों ने भी ऐसा किया, ये बाप पार्टी में आप आ गए, तो कांग्रेस की दो चार अंदरूनी बातें बताओ ना, उनके राज में क्या हुआ करते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं अगर उन सरकारों में कुछ कमी रही होंगी, तभी हमने भी ये सोचा है कि भी आने वाला जो समय है लोगों को जागरूक करके और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और मेहनत की जाए, जो पिछली कमियां रही हैं कि आने वाले समय में ये ना रहे। आप पार्टी में मजा आ रहा है? देखो हमने संघर्ष किया आपके सामने, हमने वहाँ भी यूथ की राजनीति से ब्लॉक लेवल से जिला लेवल तक 20 साल संघर्ष किया हमने, हमने वहाँ भी संघर्ष किया और हम दिन रात, हम हमारे आदरणीय मलिक साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, यूथ के प्रधान हैं और हमारे सारे साथी हैं, इनके साथ भी जब से हम मेहनत और संघर्ष करेंगे। और मजा और ना मजे वाली तो जब जनता अगर सुखी होगी, जब जैसे दिल्ली में परचम लहराया वो दिल्ली की लहर पंजाब में गई, पंजाब वालों ने, आप लोगों ने इंकलाब लेके आए, और मैं ये चाहता हूँ जब पंजाब वाले जाति धर्म की बात ना करते हुए पंजाब में इतना बड़ा इंकलाब आ सकता है, तो हरियाणा के लोग भी जाति धर्म की बात ना करते हुए आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अब तो हुड्डा को सोनिया हैंड ने फ्री हैंड कर दिया, जैसे उसी का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, 4 कार्यकारी बना दिया प्रदेशाध्यक्ष, तो हुड्डा वर्सेज बीजेपी या हुड्डा वर्सेज आप पार्टी चलेगी?
मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं जब से इस पार्टी में मैंने काम किया और मैंने इनकी थ्योरी देखी है, ये ग्राउंड रूट पे काम करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, जब लोग मन बना लेंगे ना, अगर भाई आम आदमी पार्टी आएगी और परिवर्तन करना है, ये जो पुराना व्यवस्था परिवर्तन है, जब ये चेंज करने का लोग मन बना लेंगे, तो चाहे कोई कितने पार्टियों में बदलाव होता रहे, मुझे नहीं लगता उन बातों से कोई फर्क पड़ेगा, उठाएगा नहीं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। खुल के नहीं बोले भाई, आज फिर प्रदर्शन, आज का प्रदर्शन बीजेपी की निकम्मी निकट्टू संवेदनहीन सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की युवा विंग ने किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा संदेश है। युवा वर्ग बेरोजगारी से परेशान है। पूरे हरियाणा में देश की पहले नंबर पर बेरोजगारी है 34.5%, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जैसे जो लोग हैं बयान देते हैं युवा लायक नहीं है, नौकरी ना होने की वजह से उस लड़के ने भिवाणी में सुसाइड कर ली। वो तो टैलेंटेड था, सरकार ने भर्ती निकाली 3 साल से मिलिट्री की, क्या करता हूँ, कहाँ से नौकरी लेकर आता बेचारा। दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि वो लायक नहीं था, वो 1600 मीटर 5.5 मिनट में मारता था देवीलाल के नकली पोते, तू 8 मिनट में मार के दिखा दे मान जो मैं तेना, लायक नहीं था। ये सरकार युवा वर्ग की विरोधी है। ये सरकार नहीं चाहती इनको नौकरियाँ मिले। 2-3 साल से स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर नहीं खुलने दिए जानबूझ के, ना ये पढ़ने देती है, वैकेंसी नहीं निकालती, निकाल दे तो महंगी फीस डकार जाते हैं, पेपर नहीं कंडक्ट करते, तो 2-3 साल पेपर हो गया तो लीक हो जाता है, अगर फिर भी कसर रहेगी ना फिर रिजल्ट रोक दो। ये आप पार्टी के नेता हैं और जाहिर तौर पर विपक्ष की भूमिका जो है पानीपत में, मैं यू कहता हूँ कि आप पार्टी ने बहुत अच्छी भूमिका जो है विपक्ष की निभाई है, होना तो कांग्रेस को चाहिए था, लेकिन आप पार्टी जो है बहुत अच्छा जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो ये लोग प्रदर्शन करते अब जाएंगे सेक्रेटेरिएट पर, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, और आप पार्टी के युवा विंग जो है आज प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली की तर्ज पर 24 घंटे बिजली की मांग कर रही है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही, और भी नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज फिर सड़कों पर उतरने की कोशिश की जा रही है, लोग वाकई में दुखी हैं। बिल्कुल जी, आज हमारे को ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार की जो मूल जरूरत होती है सड़कें, पानी, स्वास्थ्य और बिजली, आप ये देखिए कि ये चारों के चारों मुद्दे पे सरकार बिल्कुल फेल है। हरियाणा में इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद भी आम जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है, 15-15 घंटे के कट लग रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो व्यापार है वो भी डूबने के कगार पे हो चुके हैं और बंद होने के उस पर है। तो आज हम यही मांग करते हैं आपके द्वारा कि पानीपत एक उद्योग की नगरी है, और इसको हमारे जो ये फैक्ट्री मालिक हैं या जो आम नागरिक हैं, इन्होंने खून पसीने से इस उद्योग को खड़ा किया है, लेकिन ये सरकार आज इस उद्योगों को बंद करने के ऊपर आई हुई है और कंगाली के स्थान पर लेकर के आ रही है, बिठाने का काम कर रही है। आपकी रसोई चल रही है इन दिनों में? नहीं, रसोई कैसे चलेगी, इन्वर्टर बैटरी सब बैकअप खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर फोन चार्ज नहीं होते, 15-15 घंटे कंटिन्यूसली बिजली के कट लगते हैं। यहाँ जनता इतनी त्रस्त है, 50 साल से गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यहाँ बच्चों को पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उद्योग धंधे इंडस्ट्री सारी ठप पड़ गई है क्योंकि सारी बिजली से चलती है, यहाँ के बुजुर्ग ना तो बाहर बैठ सकते हैं ना घर में बैठ सकते हैं, सफाई व्यवस्था का भी हाल है कि मच्छर मक्खियाँ इतने होते हैं और ना ही बिजली होती है। आज जनता इतनी त्रस्त है कि वो बीजेपी सरकार को गालियां दे रही है, कोस रही है और दिन रात कोस रही है 24 घंटे, क्योंकि ये सरकार केवल जुमलों की सरकार है। चौधरी रणजीत सिंह का दावा था 1.5 साल पहले जगमग योजना चलाई थी, कहाँ गई वो जगमग योजना, शहरों और गांवों को 24 घंटे बिजली देने का दावा किया था, यहाँ पर तो 4 घंटे बिजली मुश्किल से आती है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं ये कोयले की जो कमी है इसका जुमला ना फेंके। डरते नहीं सरकार से, कदम मुकदमा दर्ज कर देंगे? हम नहीं डरते हैं, जो इन्होंने हमारा उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि हम केवल जनता के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अगर आपने मेरे साथ जो करना है मैं चैलेंज करती हूँ, आप नहीं जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, ना मैं डरती खट्टर सरकार से, ना मैं यहाँ के विधायक से, ना मैं यहाँ के मेयर पार्षद किसी से नहीं डरती। बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, देख लो कदम मुकदमा दर्ज हो गया, फिर पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। आप मुकदमा दर्ज कर लोगे किस लिए, क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, कर लो, कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे। प्रदर्शन लोकतंत्र का गहना है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का एक आम व्यक्ति को भी अधिकार है, हम तो फिर भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर आपको मुकदमा करना है तो अगर आप लॉजिकली मुकदमा करोगे तो हम लॉजिकली उसे सस्पेंड भी करवा सकते हैं।
बड़ी अच्छी बात है कि नोजी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करना है तो कर दीजिए, जैसा कि फितरत है मुकदमा दर्ज करना, आम आदमी बोले तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन फिर से वही कहूंगा, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो काम आप पार्टी ने बड़ी अच्छी भूमिका जो है पानीपत में निभाई है, और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस 3-4 बार उन्होंने प्रदर्शन किया कुमारी शैलजा के कहने पर, लेकिन जो प्रदर्शन होना चाहिए था वो प्रदर्शन वो कर नहीं सकी। तो बधाई है इनको, आप पार्टी को। ये मैं आप पार्टी के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानीपत में मीडिया को जरूरत थी विपक्ष की, और विपक्षी पार्टियों में जैसे कि कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस वो भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाई, आप पार्टी वो है वो सही ढंग से निभा पाई है। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।